हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ मीठी पापड़ी की रेसिपी आप सभी के लिए, और बहुत ही बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, और ये खाने में इतनी टेस्टी बनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप चैनल पर देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने बढ़िया सी बनी है और कितनी अच्छी इन पर लेयर आई है। तो इन्हें बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इनको बनाया है। तो मीठी पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बाउल। अब इसमें डाल लूंगी मैं एक कटोरी मैदा। तो यहाँ पर देखिए, एक कटोरी मैदा की मैं बना रही हूँ। जब भी आपका कभी मीठा खाने का मन करे तो आप एक कटोरी मैदा में पूरे परिवार के लिए मीठी पापड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी मैदा में आपको दिख रहा होगा एक बड़ा चम्मच, मतलब ये सब्जी वाला जो चम्मच चमचा होता है ना, ये मैंने वो डाला है। इसमें देसी घी डाल दिया है। तो भाई, जब घर पर हम कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो बिल्कुल हेल्थ को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालडा का भी यूज कर सकते हैं। डालडा थोड़ा हेल्दी नहीं होता, थोड़ा अनहेल्दी होता है सेहत के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर इसलिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार चिकना डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर घी ही यूज करना है, चाहे तो वनस्पति घी हो चाहे देसी घी हो। इसके बाद घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मैं मेजरमेंट बताऊँ तो इसमें आपको चौथाई का घी डालना है, मतलब जैसे कि आपको तीन कटोरी मैदा है तो एक कटोरी इसमें घी होना चाहिए। अब देखिए, इसी कटोरी से आधे कटोरी में डाल दूंगी इसमें पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ सारा नहीं ऐड करना है। और इस तरीके से हाथ की हेल्प से मसलते हैं, ना ही तो इसे बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना है मैदा को। एक परफेक्ट डो जब आपका लगेगा ना, तभी आपकी जो ये मीठी पापड़ी है बहुत बढ़िया खस्ता बनेगी एकदम। अगर आपकी ये जो मैदा है ये पतली हो गई तो आपकी जो पापड़ी है ये पूरी की तरह होंगी, अंदर से मुलायम हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा अगर सख्त हो गई आपकी मैदा तो भी ये अच्छी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा तैयार हो गया है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा तैयार हो गया है। इस तरीके का डो आपको लगाना है। और उसके बाद क्या करेंगे, बहुत छोटी छोटी इसमें से बोल्स तोड़ लेंगे। पहले बोल्स इसलिए तोड़ते हैं जिससे कि हमें सारी जो हमारी पापड़ियाँ हैं बिल्कुल बराबर बनेंगी, ना छोटी ना बड़ी, बिल्कुल एक जैसे साइज की, तो देखने में भी सुंदर लगेंगी। तो आपको दिख रहा होगा एक कटोरी मैदा में हमारी काफ़ी सारी तैयार हो जाएंगी ये। इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से तोड़ने के बाद हम इसकी छोटी छोटे छोटे पेड़ बना लेंगे, जिस तरीके की हम पूरियों के बनाते हैं। आप इन सारों को एक साथ बनाकर रख सकते हैं। इसमें सूखने का कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें चिकनाई डली हुई होती है। तो ये जितना आप बनाकर जितने टाइम पहले नहीं रख देंगे और भी बढ़िया ही होती है। तो यहाँ पर देखिए, सारे ये पेड़ हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। इसके बाद तो ये देखिए, बेलन की हेल्प से इस तरीके से हमें बेल लेना है। मैं इस तरीके से अपनी सारी पापड़ियाँ तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए, सारी तैयार हो गई हैं, ना ही तो बहुत ज़्यादा मोटी हैं ये और ना ही बहुत ज़्यादा पतली साइज की हैं। तो ये परफेक्ट साइज है हमारा मीठी पापड़ी का। ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, एक टूथपिक लेनी है और इस तरीके से टूथपिक की हेल्प से, या फिर फोक हो आपके पास तो उससे इन सारियों में इस तरीके से हमें छेद कर देनी है, जिससे कि हमारी पापड़ियाँ फूले नहीं। क्योंकि अगर हमारी पापड़ियाँ फूल गई तो ये बेकार हो जाएंगी, ये चाशनी में डालने के बाद टूट जाएंगी सारी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो अब हमने क्या करना है, एक स्टील का भगोना ले लिया है और इसमें आधी गिलास ही डाल दूंगी पानी।
आधी गिलास ही पानी डालने के बाद इसमें देखिए एक कटोरी डाल दिया मैंने चीनी। अगर आपको मेजरमेंट बताऊँ तो एक कटोरी चीनी में आपको आधी कटोरी पानी डालना है। उससे क्या होगा कि आपकी चाशनी बहुत जल्दी तैयार होगी। अगर आप बराबर का पानी डालते हैं तो आपको चाशनी ज़्यादा टाइम पकानी पड़ेगी। तो अगर आपको कम टाइम पकानी है, चाशनी जल्दी बनानी है, तो आप चीनी से आधा पानी डालिए। डालने के बाद चीनी को मेल्ट होने का वेट कीजिए और जब चीनी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके की चाशनी पापड़ के लिए तैयार करनी है। तो ये देखिए चीनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। अब चाशनी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी आपको दिख रही होगी, इतनी गाढ़ी बिल्कुल, और हल्के से एक तार वाली चाशनी, शहद जैसी गाढ़ी और हल्के से एक तार वाली चाशनी, इस तरीके की बिल्कुल चाशनी आपको तैयार करनी है जिसमें कि एक तार बनना स्टार्ट हो जाए। और जब इस तरीके की चाशनी आपकी तैयार हो जाए तो गैस को कर देना है बंद और चाशनी को साइड रख देना है। अब चाशनी हमारी तैयार होगी है, मैंने गैस बंद कर दी है, तो अब मैं चाशनी को साइड रख दूंगी और हम जो पापड़ी हमने बनाकर रखी हुई है उनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें चढ़ा दूंगी रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर भी देसी घी या फिर डालडा, मतलब वनस्पति घी, जो भी आपको पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। बट सरसों का तेल यूज नहीं करना है क्योंकि सरसों के तेल में हल्की सी स्मेल आती है तो उससे पापड़ियों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब आपका रिफाइंड ऑयल या देसी घी जो भी चिकनाई आप चढ़ा रहे हैं उसका मीडियम फ्लेम हो, उस टाइम पे आपको पापड़ियाँ एक एक करके इस तरीके से डाल देनी है, जितनी आपकी कढ़ाई या फिर फ्राई पैन में आ जाए उतनी डालनी है। और उसके बाद बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर इनको सेक लेना है। धीमी धीमी आँच पर ही ये अंदर तक सिक कर बढ़िया खस्ता बनेंगी। अगर आपकी गैस तेज होगी तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगी बट अंदर से ये मुलायम रह जाएंगी, तो ये खस्ता नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इनको आपको सेकना है। धीमी धीमी आंच पर गोल्डन होने तक इन्हें सेक लेना है, उसके बाद ही इन्हें निकालना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर हमारी पापड़ियों का आ गया है। तो अब मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं अपनी सारी पापड़ियाँ जो है तल लूँगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं मिक्सिंग बाउल में इन्हें डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं अपनी सारी पापड़ियाँ तैयार करूँगी। आपको दिख रहा होगा मेरी एक भी पापड़ी जो है फूल नहीं रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट इनकी पहचान है कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी पापड़ियाँ बन रही हैं। तो ये देखिए सारी पापड़ियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब क्या करेंगे हम, जो चाशनी हमने बनाकर रखी हुई थी उसको हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। ये जो पापड़ियाँ हमारे सारी अच्छे से डूब जानी चाहिए, हमें ऐसे बर्तन में नहीं करना है जिससे कि सारी डूब जाएं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बाउल में डाल दी है चाशनी पापड़ियों के ऊपर इस तरीके से, और डालने के बाद इन्हें उलट पुलट कर अच्छे से, जिससे कि सारियों पे बिल्कुल सारी जितनी पापड़ी हमारी सारी पर बिल्कुल बराबर लेयर आए, उस तरीके से हमें फैला देना है इन्हें, और कम से कम 15-20 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे जितनी भी चाशनी है ना सारी इन पर अच्छे से एक कोटिंग हो जाएगी और सारी चाशनी को ये ऑब्जर्व कर लेंगे। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से मिक्सिंग बाउल में कर सकते हैं या फिर चाहें तो इस तरीके से थाली ले लेनी है और उसमें डालकर इस तरीके से इन्हें बिल्कुल बराबर से आपको उलट पलट कर चाशनी में डुबो देना है, मतलब जिस भी बर्तन में आपकी चाशनी में बिल्कुल बराबर डूब जाएं उस वाले बर्तन में आपको इनको डालना है और डालकर कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे जो चीनी की है एक लेयर बन जाएगी इनके ऊपर,
तो अगर आपको खांड वाली चाहिए जिनके ऊपर खांड हो, देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल भी चीनी की खांड नहीं बनी है, लेकिन एक बढ़िया सी लेयर इनके ऊपर बिल्कुल बराबर आई है। ये देखिए चाशनी भी नहीं है, गीली नहीं है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, सूख गई है बिल्कुल। और अभी आपको दिखाऊंगी लेयर अंदर से, देखिए कितनी सारी लेयर, कितनी खस्ता बनी है ना ये। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल भी मुलायम नहीं है ये, अंदर तक चाशनी भरी हुई है, बहुत टेस्टी सी बनी है। तो भाई अगर आपको ज़्यादा खांड वाली जिनमें वाइट लेयर आ जाती है वो बनानी है, तो आप चाशनी को थोड़ा सा ज़्यादा पका लीजिए, तो उतार की चाशनी कर लीजिए। यहाँ पर मुझे वो पसंद नहीं है तो मैंने वो नहीं बनाई थी, यहाँ पर मैंने इस तरीके की बनाई थी। तो अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।